अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है और उस फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही उनका न्यूट्रिशन होता है। इट मींस ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं, सोयल से वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और उससे अपना फूड तैयार करते हैं। CO2 का रिडक्शन हो जाता है ग्लूकोज में और वो ग्लूकोज ही उनके लिए क्या है, फूड है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है, इसका मतलब हो गया कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, और इसके प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन हम लिख चुके हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे CO2, H2O, इनसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि फूड का प्रिपरेशन करना प्लांट्स के द्वारा, वही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। इसकी रिएक्शन याद कर लो क्या लिखी थी, 6 CO2 प्लस 12 H2O, इट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, एंड दिस ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट इट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। ये ऑक्सीजन हमें वाटर से मिलता है, CO2 से नहीं मिलता है। तो अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्ड बात करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम से तो बियॉन्ड है लेकिन NTSC या ओलंपियाड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल हैं, जिनके बिना वो ना, उसके एसेंशियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं, टू थिंग्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला है सनलाइट, सनलाइट के बिना नहीं होगी, और दूसरा है क्लोरोफिल। ये दो चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस होता है। तो पहले जान लेते हैं सनलाइट के बारे में। ये शायद आप पढ़ चुके हों कि सनलाइट जो अपनी होती है, यानी कि सनलाइट जो सन इवोल्व करता है ना, वो लाइट तीन टाइप की होती है, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। एक होती है अल्ट्रा वायलेट यानी कि UV लाइट, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वेवलेंथ कम होती है। दूसरी होती है इंफ्रारेड, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है और जिसका हीटिंग इफेक्ट होता है। जहाँ भी हीटिंग इफेक्ट आए तो आपने समझ लेना है कि इंफ्रारेड का जिक्र हो रहा है। जैसे कि ये कहा जाए भाई कोई गिलास है उसमें गर्म दूध है तो उसमें से कौन सी रेडिएशन निकलती है, तो आपने बताना है कि उसमें से रेडिएशन से निकलते हैं इंफ्रारेड, या गर्म चाय है या गर्म आयरन है, हॉट आयरन प्रेस जो होती है तो उसमें से भी यही होता है। ये दोनों ही लाइट क्या है, इनविजिबल हैं, ये दिखाई नहीं देती हैं। और थर्ड होती है विजिबल लाइट। तो ये जो विजिबल लाइट है ना, ये सनलाइट का वो पोर्शन है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल लाइट जरूरी होती है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में होता है। और विजिबल लाइट जो है वो कैसी है, वो वाइट कलर की है, आपको पता होगा। और वाइट कलर कोई अकेला कलर नहीं है, एक्चुअली इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ये 7 कलर्स का कम्बिनेशन है जिसको आप पढ़ते आ रहे हो, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स होते हैं। अब यानी कि एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन वाइट लाइट। दूसरी बात, अगर इससे आगे की भी बात आपसे पूछ ले कि भाई ये तो वाइट लाइट है लेकिन इसके तो 7 कलर्स हैं जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो अपने पास जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है
400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। अब इसकी जो है वायलेट की, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, रेड की एनर्जी सबसे कम है, और वेवलेंथ इसकी उल्टी होती, इनवर्स होती है, यानी कि वेवलेंथ इसकी सबसे कम है और वेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा है। तो वेवलेंथ कम यानी 400 नैनोमीटर, ये सबसे कम यानी कि यहाँ से ये शुरू है और फिर 700 तक ये जाती है। तो विजिबल लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ अगर आपसे और थोड़ा सा आगे जाके ये पूछ ले कि भाई ये 7 कलर्स जो हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होता है, तो आपने याद रखना है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड लाइट। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम ये किस में होता है, रेड लाइट में होता है, और मिनिमम किस में होता है, मिनिमम होता है ग्रीन में। क्यों होता है ग्रीन में मिनिमम, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है, प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो खुद भी ग्रीन हैं, तो जैसे ही ग्रीन लाइट उनके ऊपर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें कम होता है, और रेड लाइट में ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब दूसरा जो है, दूसरा पार्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबसे मेन इसलिए है क्योंकि सनलाइट तो ज़रूरी है ही, इस सनलाइट को ट्रैप करने का काम, इसको अपने अंदर लेने का काम किसका होता है, वो क्लोरोफिल का ही होता है, यानी कि सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। तो ये पॉइंट भी हमने याद रखना है, इसमें सोलर एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी है ना, इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के द्वारा ही ट्रैप की जाती है, खींची जाती, ली जाती है अपने अंदर। तो ये था पहला एसेंशियल किसका, सनलाइट का। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, अभी थोड़ी सी देर में और डिटेल से तो उसको पढ़ेंगे ही, फिलहाल क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसके कारण प्लांट्स का कलर ग्रीन है। और ये जो क्लोरोफिल है ये 6 टाइप्स का है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, ये हो गए, और एक है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो जो दूसरा है अपने पास एसेंशियल वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम ये आ चुका है। ये जो क्लोरोफिल है ये क्या है, ये 6 टाइप का है। कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, मेसोफिल सेल्स में। तो प्लांट्स के अंदर जो पैलिसेड टिश्यू होता है, इसके अंदर विशेष टाइप की सेल्स हैं जिन्हें वो कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, जो एक प्लास्टिड है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेसोफिल सेल, जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि मेसोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। इसके अंदर है क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है ये है 6 टाइप्स का, क्लोरोफिल ए बी सी डी, ऊपर लिख देता हूं। तो सनलाइट जो आएगी उसको ट्रैप करने का काम इसी क्लोरोफिल का है। अब आगे हम ये सोच सकते हैं भाई कौन से क्लोरोफिल का है, ए बी सी डी, ये तो कई टाइप के हो गए। तो क्लोरोफिल जो है ये कितने हो गए, 6 टाइप्स के। कौन कौन से 6 टाइप्स हैं, ए बी सी डी, यानी क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये 6 टाइप के हैं। अब इनमें भी जो सबसे मेन है
वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सबसे मेन है, बाकी जो होंगे इसके अलावा भी और पिगमेंट्स होते हैं, इन सब का काम क्या होता है, सनलाइट को इकट्ठा करो, ट्रैप करते हैं और ये देते फिर इसी को हैं, क्लोरोफिल ए को, कि भाई सनलाइट हमने ट्रैप कर ली है, अब आप कर लो इसका क्या करना है, फिर आगे का काम करेगा अपना क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, क्लोरोफिल ए, इसका फार्मूला है C55H72O5N4Mg, यानी कि मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड होता है, C55H72O5N4Mg। और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन हट जाते हैं, जब कभी भी दो हाइड्रोजन हटते हैं तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, दो हाइड्रोजन जाते हैं तो हमेशा एक बॉन्ड आ जाता है, यानी कि एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो क्लोरोफिल बी का फार्मूला होगा C55H70O5N4Mg, C55H70O5N4Mg, ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है। तो ये फिर भी मेन कौन सा है, मेन है क्लोरोफिल ए। अब इसके अलावा और पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल तो हो गया मेन और ये हो गए सिक्स टाइप के, इनमें भी सबसे मेन कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए। अब कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो इनका साथ देते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी विच हेल्प्स क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल, जो इसकी मदद करते हैं। देखो दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, एक नेसेसरी एक एसेसरी। नेसेसरी वो होता है जो जरूरी है, जिसके बिना काम ना चले, और एसेसरी वो है जिसके बिना काम चल सकता है। जैसे आप कार चलाते हो तो कार के अंदर चार टायर हैं, वो नेसेसरी है चलने के लिए, कार की जो बॉडी है वो नेसेसरी है, स्टीयरिंग है नेसेसरी है, जो जरूरी चीज़ें हैं, इंजन है नेसेसरी है। एसेसरी क्या है, जिसके बिना काम चल सके, जैसे कि आप उसमें स्टीरियो लगवाएं, म्यूजिक सिस्टम लगवाएं, वो एसेसरी है, यानी कि उसके बिना भी काम चल सकता है। तो ये क्लोरोफिल वाला ये तो नेसेसरी है। कुछ पिगमेंट्स ऐसे हैं जो इसकी हेल्प करते हैं क्लोरोफिल की, उनको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे होते हैं कैरोटीन्स, कैरोटीन्स हैं किस में पाए जाते हैं, जैसे कैरेट्स में पाए जाते हैं, इन कैरेट्स, कलर जैसा कैरेट का होता है वैसा ही। जेंथोफिल्स होते हैं, यानी कि ऑरेंज येलो कलर के होते हैं, और ये जैसे मेज के अंदर पाए जाते हैं, मक्का के अंदर। या फाइकोबिलिन्स होते हैं, ये भी एसेसरी पिगमेंट हैं, किन में पाए जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे, नीले हरे शैवाल, काई जिसको कह देते हैं, काई जो वाटर में होती है, बीजीए, ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, ब्लू वायलेट इन टाइप के कलर्स के हो सकते हैं। तो ये दो नेसेसरी यानी कि एसेंशियल्स थे फोटोसिंथेसिस के, कौन कौन से, एक सनलाइट और दूसरा था क्लोरोफिल। अब बात करेंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए।